दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपको पांच पकड़ियों वाला तूफान पंखा रिपेयरिंग व इसकी मोटर रिवाइंडिंग करना सिखाएंगे। हमने इस मोटर में से इसके स्टड को निकाल लिया है दोस्तों, ये रहा निकला हुआ। अभी इसमें फॉल्ट है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों आपस में मिले, लेकिन उन्हें फॉल्ट मारा है। अब हम आपको इसमें से ये देखिए दोस्तों, ये वाला स्टड है हमारा, इसमें 8 कॉइल लडली हुई हैं, 4 रनिंग 4 स्टार्टिंग। ये देखिए दोस्तों, हमारे इस स्टड की लंबाई 1 इंच है पूरी जी दोस्तों। अब हम इस स्टड की कॉइल निकालेंगे, लेकिन एक बात का विषय ध्यान रखना, जब भी कॉइल निकालनी हो तो उसकी पिच हमेशा देख लें। और इस स्टड की जो हमारी पिच है दोस्तों, वो है 5 और 7। हमने इस स्टड में से 8 कॉइल निकाल ली है, तब हम इसमें पेपर इंस्टॉल करेंगे। देखिए, हमने इसमें पेपर इंस्टॉल कर दिए हैं, देखिए। अब हम आपको इसमें कॉइल इंस्टॉल करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने कॉइल बना ली है, ये रही कॉइल। अब हम आपको इसको इंस्टॉल करना सिखाएंगे। ये देखना दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई से एक स्लॉट में डाल देनी है, उसके बाद कैप लगाएंगे। ये देखना दोस्तों, अब इसमें 1 2 स्लॉट छोड़ने हैं, और 4 नंबर स्लॉट में डाल देंगे। फिर से पेपर लगाएंगे, अब हमारी इसकी पीसी 1 से 4, 1 2 3 4। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से पिछले वाले स्लॉट में डालेंगे और इससे अगले वाले में। हमारी कॉइल की लंबाई 11 इंच है, इसके जो टर्न है वो 150 है, 31 नंबर एल्युमिनियम है ये हमारा। और फिर ऐसे ही इसके दूसरा लपेट ऐसे फोल्ड करके अपनी ओर ये देखना दोस्तों, फिर वही अपनी कैप लगाएंगे। ये कैप इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारे जो तार हैं वो स्लॉट से ना निकले, ठीक है जी। किसी नुकीली चीज़ से ले सकते हैं आप, थोड़ा पुश करके पूरी शेप दे देंगे कॉइल को। ये देखना दोस्तों, हमारी एक कॉइल डल चुकी है। अब इसके कनेक्शन बाहर निकाल, ये देखना दोस्तों, हमने इसके ये हमारा इनपुट यानी कि इनर तार है, ये हमारा आउटर तार है एक कोयल का। ये हमने रनिंग की कोयल डाली है इसमें,
एक कोयल, बाकी सेम कोयल ऐसे ही डलेंगी। देखिए दोस्तों, हमने इसमें पूरी 8 कोयल डाल ली हैं, 1 2 3 4 स्टार्टिंग, 1 2 3 4 रनिंग,